रिस्पॉन्स कैसे रहा आप बताइए, बिकॉज ये अभी नरिंग आइटम मूवीज है हिट और लोगों को पसंद आ रही है, बट आपको पर्सनली कैसे? पर्सनली बहुत ही पॉजिटिव रिएक्शन रहे हैं जितने भी लोगों ने देखे हैं। ऑनेस्टली डिमोनेटाइजेशन के बावजूद इतने सारे लोग गए हैं थिएटर्स में। टिकट की प्राइसेस 50% घटा दी गई थी ताकि लोगों को सुविधा हो फिल्म देखने की, एंटरटेन होने की, एंड इन स्पाइट ऑफ दैट यू नो वी हैव डन सच गुड नंबर्स। सो बहुत ही पॉजिटिव साइन है। फोर्स टू स्ट्राइक्स बैक वी बी डिमोनेटाइजेशन, या ऑफकोर्स वी आर सो हैप्पी एज अ टीम। हमारी पूरी टीम बहुत खुश है क्योंकि ऑब्वियसली जब ये कदम बहुत ही यू नो सडनली उठाया गया था, एंड ना सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री को, आई मीन एवरी बिजनेस, एवरी एस्पेक्ट ऑफ यू नो वॉज अफेक्टेड। तो जाया था कि फिल्में भी अफेक्ट होंगी, एंड वी वर अ लिटिल बिट वरीड, बट नाउ दैट यू नो वी हैव डन सो वेल, वी आर वेरी हैप्पी। आई थिंक आई एम वेरी हैप्पी, उसके लिए मैंने बाइक निकाली है। आई थिंक फोर्स टू का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा रहा है, तो मैं सोचा आज हमारे को प्रोड्यूसर विपुल शाह के साथ, और कहाँ गए विपुल, और सोनाक्षी ताहिर, और हमारे जो स्टूडियो है वाईकॉम, सब लोग यहाँ पे आए हैं, तो उनके साथ थोड़ा एक गेट टुगेदर और सेलिब्रेशन कहे रादर देन पार्टी। इट्स नॉट अ पार्टी, इट्स अ सेलिब्रेशन दैट हम लोग ने बहुत काम करा है इस फिल्म पे, एंड द रिजल्ट्स हैव बीन फैंटास्टिक। तो मैं बाइक निकालता हूँ, मुझे बाइक बहुत पसंद है, ये मेरी गिफ्ट है, ये बाइक यामा ने मुझे गिफ्ट किया है, तो आई एंजॉय राइडिंग दिस। 1700 सीसी की बाइक है और काफ़ी भारी है, तो किसी के ऊपर नहीं गिरना चाहिए। जी मैं, मेरे पास 5 मोटरसाइकिल्स हैं, तो रात को मैं निकालता हूँ मोटरसाइकिल्स को। आज एक मौका मिला है दोस्तों के साथ एंजॉय करने के लिए, आप लोगों के साथ एंजॉय करने के लिए, तो आज मैं यहाँ पर आया हूँ, एंड आई एम रियली एंजॉयिंग दिस स्पेस। अच्छा, आई डिडंट सी, आई थिंक दे आर क्रेजी अबाउट द बाइक, इट्स नॉट अबाउट मी। जी जी, एक तो डेफिनेटली डीमोनेटाइजेशन का असर हुआ है, उसके अलावा टिकट के प्राइजेस भी काफ़ी कम किए गए थे, 50% से ज़्यादा कम, तो इन टर्म्स ऑफ फुटफॉल्स, मतलब सीट ऑक्यूपेंसी, फोर्स टू एक बहुत बड़ी हिट है, लेकिन इन टर्म्स ऑफ वैल्यू ऑफ कलेक्शन डेफिनेटली हम लोग ने 35% या 40% का हम लोग को फटका लगा है, लेकिन ट्रेड भी मानती है, हम लोग भी मानते हैं। 5 साल आगे अगर हम लोग देखेंगे, किसी फिल्म के बारे में बात करेंगे, डीमोनेटाइजेशन के टाइम पे जब रिलीज़ हुई तो फोर्स टू का ही नाम आएगा। आई थिंक वी हैव डन अ फैंटास्टिक जॉब, और मैं क्रेडिट अभिनय दियो को देना चाहता हूँ, हमारे डायरेक्टर, और मेरे को प्रोड्यूसर विपुल शाह को देना चाहता हूँ। या आई थिंक वील होल्ड ऑन टू द सेकेंड वीक, वील होल्ड ऑन टू द थर्ड वीक एज वेल, क्योंकि जितने सारे सिंगल स्क्रीन्स हैं वो हमारे पास है, फिल्म बहुत स्ट्रॉन्ग है, एग्जिबिटर्स बहुत खुश है, वो यही चाह रहे हैं कि वी हैव मोर स्क्रीन्स। इन द सेकेंड वीक वी हैव गॉट 4 स्क्रीन्स, यूजली फिल्म्स गेट 2 स्क्रीन्स इन द सेकेंड वीक, वी हैव गॉट 4 स्क्रीन्स, आई एम सॉरी 4 शोज पर डे, सो इट्स फैंटास्टिक, इट जस्ट स्पीक्स अबाउट द ऑडियंस वांटिंग टू कम एंड सी फोर्स टू। जी या जी, आज ही बात हुई, हम लोग फोर्स 3 डेफिनेटली बनाएंगे, अभिनय दियो उसको डायरेक्ट करेंगे, विपुल शाह और मैं उसको को प्रोड्यूस करेंगे, एंड ACP यशवर्धन उसमें होगा ज़रूर, बट वी आर डूइंग अ फोर्स 3 और मिडल ऑफ 2000, ये कौन सा साल है, अच्छा तो मिडल ऑफ 2017 में हम लोग शुरू करेंगे। आई थिंक एज अ प्रोड्यूसर एंड एज एन एक्टर, मद्रास कैफे के बाद जो अप्रिसिएशन मुझे अपने ऑडियंस से मिला है, ज़्यादातर मैं बहुत खुश हूँ। एक रिएक्शन, एक बहुत ही बुजुर्ग आदमी है जो हमेशा बाहर आके रिव्यू देते हैं गेटी गैलेक्सी के बाहर, तो उनका रिव्यू बहुत ही प्यारा था, मैं उनका नाम तो नहीं जानता हूँ, लेकिन किसने मुझे कहा
कि फिल्म वो बोले कि 10 बार मैं देखूंगा, जॉन अब्राहम के लिए पैसा वसूल है, तो आई फील वेरी वेरी टच्ड एंड ब्लेस्ड. थैंक यू.